भाजपा के अंबाला लोकसभा से प्रत्याशी बनने के बाद रतनलाल कटारिया विधायक असीम गोयल के घर पहुंचे, जहां विधायक ने कटारिया का मुंह मीठा करवाया व उन्हें बधाई दी। इस मौके पर रतनलाल कटारिया से पूछा गया कि उनके सामने कांग्रेस के कुमारी शैलजा मैदान में हो सकती हैं। कटारिया शैलजा का नाम सुनते ही ताव में आ गए और कहा, मुझे बड़बोला कहा जाता है, लेकिन मैं जैसा कैसा भी हूँ इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ूंगा। पिछली बार 340,000 वोटों से जीता था, इस बार 5,00,000 से ज्यादा वोटों से जीतूंगा। मेरे बारे में अक्सर मैं टेलीविजन पे खुद भी देखता रहता हूं कि कटारिया जी बड़े बड़बोले हैं और कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन मैं पता नहीं मेरे मन से आवाज निकलती है कि भाइयों, मैं पिछली बार 340,000 वोटों से जीता और 1952 से लेकर 2014 तक कोई इस हलके से 340,000 वोटों से जीता नहीं, तो मैं जैसा कैसा भी हूं 2014 के रिकॉर्ड में तो मैं टॉप पे खड़ा हूं। आजादी के बाद आज तक मैं टॉप पे खड़ा हूं, चाहे मैं कैसा भी हूं, लेकिन अपना रिकॉर्ड में अब की बार अपने आप तोड़ूंगा, 5,00,000 तक अपने मार्जिन को ले जाऊंगा। देखिए, हमारी विधानसभा से हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता आदरणीय मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इस नाते पूरे जोरों से, जैसा अभी कटारिया जी ने पन्ना प्रमुख का जिक्र किया, तो मेरी विधानसभा के ऊपर लगभग 4,000 कार्यकर्ताओं का पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन हम 10 तारीख को शाम को 3:30 बजे घूंघट पैलेस में करने जा रहे हैं और बड़ी अभूतपूर्व तैयारी और बड़ी जोरदार तैयारी कार्यकर्ताओं द्वारा इस सम्मेलन की जा रही है। जिस विधानसभा में 4,000 लिस्टेड कार्यकर्ता आदरणीय मोदी जी को, मां भारती को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए, आदरणीय मोदी जी को उनकी सेवा करने के लिए द्वारा इस भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प ले चुका है, तो उसे सुनामी की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बाड़ा विधानसभा से हम आदरणीय कटारिया जी को मोदी जी की उस माला के अंदर एक कमल का फूल बनाकर, बिल्कुल खिलता हुआ कमल बनाकर भेजेंगे। पहले से ज्यादा मार्जिन से यहां से कटारिया जी जीत के जाएंगे। हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता ने इस बात का संकल्प लिया है, उसको हम पूरा करेंगे। अंबाला से रोजी बहल की रिपोर्ट। ये थी इस समय की बड़ी खबर। समय समय पर अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एसटीवी।